गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो वाइब ओवरऑल बहुत ज्यादा डिफरेंट एंड स्पेशल भी है बिकॉज माई अडोरेबल भाभी इज हियर शेयरिंग द फ्रेम। सो बेसिकली क्या हुआ था, उस दिन अपन घर पे थे, लाइक वी आई वेंट होम द अदर डे, तो हम वी वर डिस्कसिंग अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि किसके क्या गोल्स हैं, क्या करना है। तो भाभी टोल्ड मी कि शी वॉन्टेड टू लाइक यू नो शी वॉन्टेड अ न्यू वर्जन ऑफ हर सेल्फ बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ हेयर कलर। सो आई थॉट कि यार इतनी छोटी सी चीज़ तो कर ही सकते हैं, दिस इज वाई वी आर हियर। एंड भाभी वेलकम, मतलब कैसा लग रहा है आपको, एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आज आपके चैनल पे वापस काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई हूँ। इट्स बीन लॉन्ग, इट्स बीन लॉन्ग। सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे को इसी चीज़ की आज। और पहले तो व्लॉग्स हम कर लेते थे तो कभी कैसे भी हम आ जाते थे, इट्स बीन लॉन्ग। और गुड्डा के चक्कर में तो कहीं कुछ हो नहीं पाता। yes, yes. तो बेटर है कि आपने मेरे को आज यहीं बुला लिया। अब देखो भाभी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हैं तो हम क्यों वेट करें, मतलब मेकओवर कर ही देते हैं, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। बट इस एक्साइटमेंट में आई डोंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग, सो आई एम गोना बी यूजिंग लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल हेयर कलर। लॉरियल पेरिस ना नंबर वन हेयर कलर ब्रांड है इन द वर्ल्ड एंड दिस इज देयर न्यू लॉन्च इन द गॉर्जियस अल्ट्रा विजिबल वाइब्रेंट शेड्स। लेट्स सी इनमें क्या नया होता है। एक बात बताओ, मेरे बाल डार्क कलर के तो क्या इसमें ये वाला कलर विजिबल रहेगा? येस आई नो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली यू नो इंडियन जिनके बाल बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, तो प्रॉब्लम ये भी होता है, जैसे मेरी भाभी ने भी फेस किया है कि कलर पहले करवा चुकी हैं लेकिन वो तो ज़्यादा दिखता भी नहीं है, इज दैट द प्रॉब्लम राइट? आई टेल यू, स्टैंडिंग फैशन शेड्स हैं इस रेंज में, स्पेशली क्यूरेटेड फॉर डार्कर हेयर कलर टोन्स, जहाँ पे कलर विजिबल नहीं होता वहाँ पे ऐसे कंसर्न आते हैं। तो बिकॉज ऑफ द सुपीरियर फॉर्मुलेशन ये कलर दिखता भी है एंड ऑल्सो टिकता भी है, क्योंकि ये लास्ट करने वाला है फॉर अप टू 32 वॉशेस एंड इसमें कोई अमोनिया भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा सेफ भी है यूज करने के लिए। एंड ये आपके बालों को ना अप टू 5 टाइम्स ग्लॉसी एंड शाइनी भी बनाएगा। पढ़ लिया आपने सारा। सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हेयर कलर मुझे इसका लगता है, दैट इज इट कम्स विद दिस रॉयल जेली शाइन मास्क। नाउ ये क्या करता है, आपके बालों को नरिश बनाएगा एंड ऑल्सो हेयर ब्रेकेज को भी ना अप टू 93% तक रिड्यूस करता है, तो मतलब ब्रेकेज भी नहीं होगी प्लस नरिश भी लगेंगे बाल। भाभी ये पूरा जो है ना प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा लग्जूरियस होने वाला है बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, अपन घर पे ही बैठ के इसको कर रहे हैं, ईजी भी है, अनदर थिंग मतलब जल्दी से हो जाता है, बहुत ही ट्रेंडी आपको इमेज मिलने वाली है, जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन चाहते थे ना कुछ वैसा ही मिलने वाला है। सो चलो लेट्स बिगिन। इसके अंदर के ना कंटेंट दिखाते हैं आपको कि क्या क्या होता है इसके अंदर। सो सबसे पहले आपको मिलता है ये कलरेंट क्रेम, इस पे नंबर भी लिखा हुआ है, देन आपको मिलता है डेवलपर क्रेम, इस पे नंबर 2 लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको पहले यही निकालना है, कोई भी निकालो बट मिक्स ऐसे होगा। देन यू हैव दिस शाइन मास्क विद रॉयल जेली, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा भी। एंड लास्टली यू हैव दिस मैनुअल और इसके अंदर आपको ग्लव्स भी मिलेंगे। तो चलिए भाभी स्टार्ट करें। ओके सो सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन पे मूव ऑन करने से पहले एलर्जी पैस्टर्स बहुत जरूरी है, वो आपको बैक ऑफ नेक पे करना है, हमने पहले ही कर दिया था, 24 आवर्स इज द टाइम जब आपको करना है। एंड ऑल्सो पेट्रोलियम जेली वगैरह आप लगा दो हेयरलाइन वगैरह पे, ताकि कुछ भी कलर वगैरह आपके मतलब रुकेगा नहीं, स्टेन वगैरह नहीं होगा। और भाभी ये आप जो मेटल वाली ज्वेलरी है सब कुछ निकाल दो, मैं भी निकाल देती हूँ और मैं ग्लव्स पहन के करूँगी बिकॉज इट्स सेफ राइट। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है बिकॉज यू हैव दिस डेवलपर बॉटल, इसी के अंदर मैं इस कलरेंट क्रेम को मिक्स करके एंड देन आई जस्ट शेक इट एंड बॉटल से ही एप्लीकेशन करने वाली हूँ। नाउ टू मिक्स दिस यू हैव टू एड कलरेंट क्रेम इन द डेवलपर बॉटल, अगेन इसमें कोई बोल्स वगैरह यूज नहीं होंगे एंड देन सिंपली इसको मिक्स कर लो, दैट्स इट। एप्लीकेशन की मैं बात करूँ ना तो इट इज़ वेरी सिंपल, डेवलपर बॉटल से ही डायरेक्टली आपको लगाना है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। एंड ग्लव्स पहने हुए हैं ना तो बस हाथों से ना अच्छे से उस कलर को स्प्रेड कर लो अपने बालों में एंड दैट्स अबाउट इट। वंस द एप्लीकेशन इज डन, मैंने कुछ इस तरीके से भाभी के बालों को टाई कर दिया था इन अ बन एंड देन आपको इस कलर को रखना है अपने बालों में 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर दैट आपको अच्छे से रिंस करना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है इसका वो है शाइन मास्क विद रॉयल जेली, उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करके। And then again plain water से rinse कर लेना है and that's about it. Are you guys ready for the results? काफी सही लग रहे हो, मतलब I really like the color, मतलब बहुत ज्यादा बाल healthy लग रहे हैं, shiny
और ग्लॉसी भी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है क्वालिटी ओवरऑल, एंड आई लव द वाइब्रेंट कलर, मतलब माय हबी इज़ रेडी टू टेक ऑन द न्यू ईयर विद न्यू लुक, है ना। ट्रस्ट मी, आई वाज वरिड इनिशियली, ऐसे होता है ना कि अबाउट कलरिंग हर हेयर एट होम, मैं खुद पे तो कुछ भी कर लूँ ऊपर से नीचे तक कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसी और पे ना, मतलब स्पेशली भाभी पे बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है यार कैसा होगा, बट इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट, आई वुड ऑल लव द न्यू लुक, आई मीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली बालों की क्वालिटी मच बेटर। थैंक यू, मेरे को इस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत अच्छे हो गए, इससे मेरे बाल डैमेज फ्री भी हो गए और बेस्ट रिजल्ट्स भी हैं। यस, नाउ इस पूरे बॉक्स का प्राइस है 650 रुपीज, बट आपको हेल्दी और शाइनी और कलर बालों के साथ साथ आपको क्या मिलता है, इट इज़ वेरी सेफ टू यूज बिकॉज इट इज़ नो अमोनिया, 93% तक लेस हेयर ब्रेकेज, आपके बाल आपको मिलेंगे 5 times ज्यादा ग्लॉसियर एंड हेल्दियर, अदर देन दैट इस रेंज में जो कलर्स है ना वो डार्क कलर्स पे भी विजिबल होते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट लास्ट अप टू 32 washes, आई मीन और क्या चाहिए। सो इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भाभी पे जो मैंने कलर किया था दैट इज 632 लाइट गोल्डन ब्राउन, इसमें और भी शेड्स हैं, यू कैन चेक इट आउट, एंड जो भी शेड आप करने वाले हो, आपका एक्सपीरियंस अबाउट दिस बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन खुद से ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, एंड कुछ इस तरीके के एट होम हेयर ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियोस आपको कैसे लगते हैं मेंशन करिए, और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच, बाय बाय।